सो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें एक ग्रे कास्ट आयरन का ब्लॉक है और उसको कास्ट करना है बाय यूजिंग सैंड मोल्ड। और ये जो ब्लॉक है इसका साइज दिया है यहाँ पे और श्रिंकेज अलाउंस दिया है 1%। तो ये केस में वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू दी वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, नॉर्मली क्या होता है फॉर मटेरियल, अगर मैं कूलिंग कर रहा हूं, ठीक है, सपोज ये मान लो एक पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न का साइज है कुछ, तो ठीक है, ये एक पैटर्न है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने मोल्टन लिक्विड को इसके अंदर पॉर किया, तो पॉरिंग करने के बाद क्या होगा, ये जब इसको मैंने पूरा अच्छे से पॉर कर दिया अंदर, तो ये कूल होने लगेगा। सो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो क्या होगा, ये जब सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे ये श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने के बाद इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये श्रिंक होके एक्चुअल में कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है नॉर्मल केस में, कि अगर पैटर्न में कुछ वॉल्यूम था तो श्रिंक होने के बाद क्या हो जा रहा है, जो कास्ट मटेरियल मिल रहा है मेरे को ये वाला, उसका वॉल्यूम वीसी है, सो ये लेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितना मैं पैटर्न का साइज रखूंगा ये श्रिंक होके थोड़ा सा कम हो जाएगा और उतने का मुझे कास्टिंग मिलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जितने का मुझे कास्ट करना है जो उसका साइज है उससे पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो वहां पे हम लोग श्रिंकेज अलाउंस का यूज करते हैं। मतलब अगर मान लो मेरा जो कास्टिंग साइज है वो है 100 × 100 × 100, ठीक है, तो पैटर्न का साइज क्या होगा, अगर मैं 1% श्रिंकेज अलाउंस कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 101 × 101 × 101, ठीक है। सो ये पैटर्न का साइज लूंगा और बाद में उसमें मैं मोल्टन मेटल पोर करूंगा, तो पोर करने के बाद क्या होगा, ये अपने आप श्रिंक होके 1% श्रिंक होके मुझे ऑटोमेटिकली ये साइज मिल जाएगा। सो नॉर्मली ये होता है। लेकिन अगर मैं ग्रे कास्ट आयरन की बात करूं, ग्रे कास्ट आयरन, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पैटर्न की साइज होती है, ठीक है, सपोज दिस इज माई पैटर्न साइज, तो ओके, और उसमें मैंने मोल्टेन मेटल को इसमें मैंने पोर कर दिया, ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिडिफिकेशन में, इसमें क्या होगा कि ऑन सॉलिडिफिकेशन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एक्सपांड होगा। अब यहां पे क्या हो रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे ये एक्सपांड होगा, मतलब एक्सपांड होकर इसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी। सो ये केस में क्या होता है, ये केस में ये जो पैटर्न है, पैटर्न की साइज लेस होगी एज कंपेयर टू कास्टिंग। मतलब मैं जो भी पैटर्न लूंगा, मतलब मैं जो भी पैटर्न का साइज लूंगा, ये एक्सपांड होके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो अगर मुझे ये साइज का कास्टिंग प्रोड्यूस करना है और ये केस में श्रिंकेज अलाउंस 1% दिया है, तो मुझे क्या करना होगा, पैटर्न को थोड़ा सा कम साइज लेना होगा, मतलब 99, 99 और 99। सो अगर मैं पैटर्न की साइज ये लूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड होके, मतलब 1 mm एक्सपांड हो जाएगा और मुझे ये साइज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फॉर द ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल एंड फॉर अदर मटेरियल। तो ये केस में ग्रे कास्ट आयरन है, मतलब इसमें भी क्या होगा, इसमें यही होगा कि जो पैटर्न की साइज होगी दैट विल बी लेस देन कास्टिंग साइज, ठीक है, और इसमें 1% का श्रिंकेज अलाउंस दिया है। मतलब अगर मैं पैटर्न का वॉल्यूम अपॉन कास्टिंग का वॉल्यूम निकालू, तो अगर कास्टिंग मुझे करना है 200 × 100 × 10,
सो पैटर्न का साइज थोड़ा सा कम होना चाहिए। सो 200 का 1% मतलब 2, सो ये हो जाएगा 198 इंटू 99 इंटू 9.9, 1% का मैंने श्रिंकेज अलाउंस कंसीडर किया, सो ये मुझे मिल जाएगा, सो ये आ जाएगा 0.97। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।